दोस्तों नमस्ते। हम लोग LCM HCF के क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम लोग रिंग वाले प्रॉब्लम करेंगे जिसमें घंटियां बजती हैं, उस टाइप वाले क्वेश्चन। कहता है, फोर बेल रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर इन 6 आवर्स। तो देखिए, मान लिया हमने कि चार बेल्स हैं, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। और ये चारों बेल पहली बार तो एक साथ बजे। उसके बाद बेल ए जो है वो क्या है, 12 सेकंड के अंतराल पे बजता है, यानी पहली बार जब बजा उसके बाद 12 सेकंड के बाद बजेगा दूसरी बार, तीसरी बार कितना, 24 सेकंड के बाद, चौथी बार 36 सेकंड के बाद, पांचवी बार 48 सेकंड के बाद, छठी बार 60 सेकंड के बाद, इस तरह से वो बजता चला जाएगा। सिमिलरली बेल बी जो है वो 15 सेकंड के अंतराल पे बज रहा है, यानी पहली बार बजा एक साथ, दूसरी बार कितने सेकंड बाद बजेगा 15, तीसरी बार 30, चौथी बार 45, पांचवी बार 60 सेकंड और सो ऑन। सिमिलरली बेल सी जो है वो 20 सेकंड पे बज रहा है, यानी दूसरी बार बजेगा 20 सेकंड पे, तीसरी बार 40 सेकंड पे, चौथी बार 60 सेकंड पे एंड सो ऑन। सिमिलरली बेल डी जो है वो पहली बार तो शुरुआत में साथ बजा, दूसरी बार 30 सेकंड के अंतराल पे बजेगा, तीसरी बार 60 एंड सो ऑन। तो क्या है कि ये एक साथ कब बजेंगे, तो एक साथ ये दिख रहा है कि ये 60 सेकंड के अंतराल पे ये फिर से एक साथ बज गए, यानी कि ये जो 60 सेकंड क्या है, अगर हम इनका एलसीएम निकालें तीनों का, 12, 15, 20, ये चारों का 12, 15, 20 और 30, तो जो हमारा LCM आएगा 12, 15 और 30 का वो 60 आएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो उसमें तो हमें क्या करना होता है, अगली बार साइम पहली बार जब बजे एक साथ, अगली बार साइमल्टेनियसली कितने सेकंड बाद बजेंगे, तो उनका LCM, वो जो जितने भी टाइम इंटरवल दिए हुए हैं उनका हम LCM निकाल लें, वही हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो बजने का, नेक्स्ट एक साथ बजने का समय होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि 6 घंटे में वो कितनी बार बजेंगे, तो देखिए 6 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड और 6 घंटा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21,600 सेकंड। अब क्या है कि 60 सेकंड के अंतराल पे बज रहे हैं, यानी अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये पता चल जाएगा कितनी बार बजे। तो जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 360। लेकिन ये 360 टाइम्स क्या आया, ये पहली बार बज गए हैं, उसके बाद से लेकर के 6 घंटे के बीच बजेंगे, ये उसका फ्रीक्वेंसी है 360 टाइम्स। तो यानी टोटल कितनी बार बजे, तो पहली बार भी तो एक साथ बजे थे तो हम उसको भी ऐड करेंगे, यानी 6 घंटे के अंदर कितने बार बजे, 361 टाइम्स क्या होगा, जब वो इनिशियली शुरुआत से स्टार्ट किए गए तो तब से लेके 6 घंटे के बीच में ये चारों बेल्स जो हैं 361 टाइम्स बजेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, फोर बेल्स रिंग टुगेदर एट 9 AM, दे टॉल आफ्टर, फोर बेल्स टॉल टुगेदर, रिंग टुगेदर या टॉल टुगेदर, ठीक है, बात देखिए, दे टॉल टुगेदर आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि 9 बजे क्या है, वो एक साथ बजे, उसके बाद अगले 3 घंटे में, यानी 9 बजे के से लेकर के, यानी 12 बजे तक, 9 AM से लेके 12 बजे तक जो है उसके बीच में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 7, 8, 11 और 12 का हम LCM निकाल लें, ठीक है। तो LCM के सिंपल है, फैक्टर कर दीजिए, यहाँ 2 to the power 3 हुआ 8 का, ये 11 और ये क्या हो गया 12 का, 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया हमारा LCM 1848 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्या है कि ये क्या है, 1848 सेकेंड के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे, पहली बार 9 बजे स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा,
1848 सेकंड के बाद दोबारा बजेंगे, तो क्यों ना हम इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो 1848 सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है, 30.8। यानी इसको जरा आप देखिए, हम इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो सिंपल सा है, जैसा हमने पिछले उसमें एग्जांपल में किया कि 6 घंटे में टोटल कितने सेकंड हुए, तो 6 घंटे में क्या है कि 3 आवर्स में कितने सेकंड हुए, तो 60 मिनट और 61 मिनट में 60 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स, यानी ये इतने सेकंड डिवाइडेड बाय 1848, तो ये आ रहा है 5.84। इसको देख के हम सिंपली कह सकते हैं कि 5 टाइम्स बजेंगे, लेकिन कैसे हम इसको जरा एक बार विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करें, ये 1848 सेकंड के बाद जब दोबारा एक साथ बजेंगे इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, तो क्या होगा, 1848 डिवाइडेड बाय 60, ये आएगा 30.8 मिनट। यानी कि 9 बजे बजने के बाद वो क्या है, अगली बार कितने बजे बजेंगे, तो 9 प्लस 38.8, हम इसको 9.31 लिख सकते हैं, 0.20 कम है, हम अप्रोक्स लिख सकते हैं, ठीक है, अराउंड 9:31 पे क्या है ये दोबारा बजेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरी बार ये बज गए, तीसरी बार कब बजेंगे, तो 9:31 से फिर 30.8 जोड़ लीजिए, तो ये आएगा अराउंड लगभग 10.2 AM के आसपास। फिर चौथी बार ये कब बजेंगे, मतलब ये अगली बार कब बजेंगे, तो 10.2 प्लस 30.8, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10.33 AM पे बजेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करें, अगली बार कितने बजे बजेंगे, तो फिर 30.8 जोड़ लें, तो 11.04 AM। फिर हम 30.8 जोड़ लें, तो ये क्या आएगा, 11.35 AM। अगली बार जब हम जोड़ेंगे 30.8, तो क्या हो जाएगा, 12 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 6 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, 0.20 तो आपने कम जोड़ा है, तो हम मान लीजिए कि हम उसमें से एक मिनट हटा दें या दो मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं हटा सकते, कम कर सकते, तो भी तो ये 12 से अधिक हो जाएगा। यानी 9 बजे के बाद ये कितनी बार एक साथ बजेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी 9 बजे के बाद ये टोटल कितनी बार बजेंगे 3 घंटे में, 5 बार बजेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर्स, तो इसमें क्या है, 9 बजे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 9 बजे के बाद का कह रहा है कि ये कितनी बार और बजेंगे अगले 3 घंटे में, तो ये इतनी बार यानी 5 बार बजेंगे। अगर यही कहता कि ये 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कितनी बार बजेंगे, तब हम क्या करते, उसमें एक और जोड़ते, यानी 6 टाइम्स हो जाता, लेकिन अभी हमारा हाल फिलहाल में आंसर क्या होगा, 5 टाइम्स होगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सकते हैं, इस प्रकार इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें सिंपल एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम से पता चल जाएगा कि अगली बार वो एक साथ कितनी बार बजेंगे, अगली बार वो एक साथ कितने समय के बाद बजेंगे, और जो टाइम दिया है उसे आप डिवाइड कीजिए, उससे क्या है पता चल जाएगा कि ये कितनी बार उस टाइम पीरियड में वो बजेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।